होची मिन सिटी या साइगांव वियतनाम की अर्थव्यवस्था का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ देश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं और बीपीओ उद्योग का भी एक तरह से बड़ा केंद्र है। 1500 स्टाफ वाली ये बीपीओ कंपनी देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी है। इसकी प्रगति और वियतनाम के बीपीओ व्यापार की तरक्की का इतिहास एक है। In the 2002, we founded this company here and it was the first one. मैंने 2002 में ये कंपनी शुरू की थी। इस उद्योग में ये पहली कंपनी है। ये वॉइस यानी कॉल सेंटर जैसी नहीं बल्कि दस्तावेज पर काम करती है। इस वक्त इस उद्योग में 20 से 30 हजार लोग काम कर रहे हैं। And it's now maybe 20-30,000 people working in this industry in Vietnam. इंग्लिश बोलने में भारत के युवाओं की तरह फरावानी के अभाव में वियतनाम ने अपना अलग रास्ता चुना और अलग मार्केट भी। Plan was not to begin with a mainstream English or French or Spanish. हमने अंग्रेजी या स्पेनिश में काम करने पर जोर नहीं दिया। मैं जर्मनी से हूं तो मैंने जर्मन भाषा वाली कंपनियों से काम हासिल किया। जो ऑपरेटर जर्मन नहीं बोलते उन्हें अच्छी जर्मन बोलना सिखाते हैं ताकि वे अपने काम में महारत हासिल कर लें और अपना काम अच्छे से कर सकें। Non-speaking German operator that they can deliver quality. बीपीओ उद्योग में भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा देश जिन कारणों से बना वो कारण वियतनाम में भी मौजूद हैं। भारत की तरह यहाँ भी युवाओं की आबादी अधिक है, सियासी स्थिरता है और सरकार हर तरह से इस उद्योग को बढ़ाने में निजी कंपनियों की मदद कर रही है। और अगर बुनियादी ढांचों की बात करें तो ये भारत से भी बेहतर है। इकोनॉमिकली बोथ आर समवेयर एट द सेम। बीपीओ में भारत वियतनाम से बहुत आगे है। इस व्यापार में दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, दोनों पक्ष मिलकर जरूर काम कर सकते हैं। फिलहाल वियतनाम भारत से काफी पीछे है, लेकिन भारत के बीपीओ उद्योग में वियतनाम के तेजी से बढ़ते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। जुबैर अहमद, BBC, हो ची मिन सिटी, वियतनाम।